वेलकम टू ऑडिशंस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिवाले और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑडिशन। ऑडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्टिंग की दुनिया में जाने के लिए बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आती हैं और उसके माध्यम से सिर्फ यही पूछा जाता है कि सर, एक्टिंग की दुनिया में एक्टर कैसे बने या फिर एक्ट्रेस कैसे बने या फिर अपने आप को हम आर्टिस्ट कैसे बनाएं। तो सबसे पहला दोस्तों यही सवाल है कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बोलने की आदत डाल लीजिए। जो लोग, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, फोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी और मेल्स पे भी, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे वो चैट तो कर लेते हैं, फटाफट टाइप कर देते हैं, कुछ लोग मेल को रिप्लाई कर देते हैं फटाफट से, लेकिन जैसे ही उससे बात की जाती है, जैसे उनसे पूछा जाता है फोन पे, यहां तक कि फोन पे भी वो अपने बारे में एक मिनट नहीं बोल पाते हैं। तो पहले, सबसे पहले बोलने की आदत डालिए, अच्छे अच्छे वर्ड ग्रहण कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, नॉवल पढ़िए, न्यूज पेपर पढ़िए और न्यूज देखिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो उसको भी ध्यान में रख के अपने बारे में बोलें, जरूर बोलें। एक मिनट बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें, रोजाना करें और कैमरे के सामने करें। किसी के सामने बोलने से बहुत अच्छा है कि आप कैमरे के सामने, खुद के सामने बोलें। जब हम कहते हैं कि कैमरे के सामने एक मिनट खड़े होकर अपने बारे में बोलिए, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बोल दूंगा, ये सोच दूंगा, ये होगा, और हम बहुत सारा सोचकर भी जाते हैं कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही हम बोलने की स्टार्टिंग करते हैं तो दो चार चीजें निकलती है हमारे मुंह से, अपना नाम, अपना गांव, और फिर बाकी सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है, भूल जाते हैं लोग। तो ये सबसे बड़ी कमी है। अगर आपकी भी ये कमी है तो प्लीज पहले, सबसे पहले इसे रिमूव कीजिए, इसे दूर कीजिए। ऐसा कोई बाईपास नहीं है कि आप इसको बंक करके या इसको कूद के आप एक्टिंग की लाइन में आगे चले जाएंगे। सबसे पहले बोलना सीख लीजिए, अपने बारे में एक मिनट जरूर बोलिएगा, ठीक है। जहां आप एक मिनट की प्रैक्टिस कर चुके होंगे अपने बारे में बोलने की कैमरे के सामने, तो देन आप 2 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 3 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए, 4 मिनट, फिर 5 मिनट। तो 5 मिनट बहुत होते हैं। अगर 5 मिनट कोई भी इंसान अपने बारे में बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात। आपको नहीं लगता कि आप 10-20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितने भी साल आपके हैं, जितने साल आपने लाइफ के गुजारे हैं, क्या इतने सालों में आपने कुछ नहीं किया होगा कि आप अपने बारे में 5 मिनट खड़े होकर बोल सके? यार बहुत कुछ किया होगा, बोलिए, लेकिन सिर्फ उसको शब्दों में पिरोना है, जो चीजें आपने की है शॉर्टकट निकाल के अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो अपने आप को प्रेजेंट करना जरूर सीखिएगा और कैमरे के सामने कोशिश कीजिए कि अपने बारे में जरूर बोलें। अगर आप अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं तो ये हमारा एक्टिंग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो पहले प्लीज बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और कीप्स गोइंग ऑन। आई होप अगर आप बोल लेते हैं अच्छा तो एक्टिंग की दुनिया में जाना आपको बहुत आसान हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको अगर चैनल सब्सक्राइब करना है तो सोचना बिल्कुल मत, रेड बटन नीचे है उसे क्लिक कर दीजिए, फ्री में सब्सक्राइब होता है, उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको हमारी अगली वीडियोज ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था कि अपने बारे में बोलिए, ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए और पहला स्टेप कंप्लीट करके एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।